प्रत्येक किलो बीज को 6 ग्राम एप्रॉन एसडी 35 से उपचारित करके ही बुआई करें, ताकि फसल को सफेद रतुआ एवं मृदु रोगिल आसिता रोग से बचाया जा सके। जड़ गलन और उकटा रोग से बचाने के लिए प्रति किलो बीज में बुआई से पूर्व 3 ग्राम थीरम या कार्बेंडाजीम या फिर 4 ग्राम कैप्टॉन या मैनकोजब मिलाएं। स्कले रोटिनिया तना सड़न रोग से बचाव के लिए प्रति किलोग्राम बीज को 2 से 2.5 ग्राम कार्बेंडाजीम से उपचारित करना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि बीज दर क्या होनी चाहिए, तो आपको बता दें कि बीज की मात्रा 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर पर्याप्त होती है। कतार में बुआई करने से अच्छी उपज मिलती है। सिंचित क्षेत्रों में कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। बरानी दशा में कतार से कतार एवं पौधे से पौधे की दूरी क्रमशः बढ़ाकर 45 सेंटीमीटर एवं 15 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। किसान भाइयों, इसमें उर्वरकों का संतुलित उपयोग भी काफी महत्वपूर्ण है। यूं तो सही मात्रा में उर्वरक प्रयोग करने के लिए नियमित मिट्टी का परीक्षण आवश्यक है, लेकिन उर्वरक की आवश्यकता मिट्टी के प्रकार, सिंचाई की स्थिति और फसल की जाति पर भी निर्भर करता है। तोरिया, सरसों एवं राई की फसल के लिए कई जलवायु और क्षेत्रों के अनुसार 60 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 20 से 40 किलोग्राम फॉस्फेट और 20 से 40 किलोग्राम पोटाश की अनुशंसा की जाती है। राई की तुलना में तोरिया, भूरी सरसों, पीली सरसों और तारामीरा की फसल को उर्वरकों की जरूरत कम पड़ती है। किसान भाइयों, ध्यान रहे कि नाइट्रोजन की आधी मात्रा, फॉस्फेट एवं पोटाश की पूरी मात्रा बुआई के समय बीज के नीचे डालनी चाहिए। इसके अलावा अगर भूमि में गंधक, बोरोन और जस्ते जैसे तत्वों की कमी हो तो इन फसलों से अच्छी उपज लेने के लिए इनका उपयोग अवश्य करना चाहिए। गंधक, बोरोन और जस्ते की कमी वाले क्षेत्रों में 20 से 40 किलोग्राम गंधक, 1 किलोग्राम बोरोन और 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट बुआई के समय डालनी चाहिए।